सब्सक्राइब करो लाइफ एट टीचिंग को और बेल आइकन को प्रेस करो कंप्यूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफाई टीचिंग के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई 2017 को जो RSCIT का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने RSCIT ग्रुप जो कि फेसबुक पे बनाया गया है उसे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए। और मुझे आपसे कुछ पूछना है, 8 जुलाई 2018 को जो RSCIT का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, प्लीज मुझे बताएं। कमेंट नहीं करना है, कम्युनिटी टैब के अंदर जाना है, वहां पे मैंने वोटिंग शुरू की हुई है, प्लीज वहां पे अपना वोट अवश्य दें। और वोट कैसे देना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब करते हैं शुरू वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट पर कंप्यूटर रेगिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। ऑप्शंस को पढ़िए, ईमेल पता, वेब पता, आईपी पता, घर का पता। एंसर आईपी पता। जी हाँ दोस्तों, जो अपना आईपी एड्रेस होता है उसी से ही हमारी इंटरनेट पे पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, MS Word में रिक्तस्थान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शंस को पढ़िए, मेल ज्वाइन, मेल पेस्ट, मेल इंसर्ट, मेल मर्ज। आंसर मेल मर्ज। आपने अगर MS Word का यूज किया है तो जरूर आपने देखा होगा स्पेशल मेल मर्ज के लिए MS Word के अंदर एक अलग से टैब दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो देख लेना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है। ऑप्शंस को पढ़िए, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़ी होती हैं। प्रत्येक नोड्स एक केबल से जुड़ा होता है, प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एवं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय केंद्र से जुड़ा होता है, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। और दोस्तों, केंद्र की बात तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ऑप्शंस को पढ़िए, असिस्ट, स्नैप असिस्ट, स्क्रीन असिस्ट, प्रिंट स्क्रीन असिस्ट। आंसर स्नैप असिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है। एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज प्ले स्टोर, विंडो स्टोर, उपयुक्त सभी ऐप स्टोर हैं। आंसर उपयुक्त सभी ऐप स्टोर हैं, यहां से आप किसी भी प्रकार का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता। ऑप्शंस को पढ़िए, ऑटो टेक्स्ट, डेट या टाइम, ऑटो नंबर, उपयुक्त सभी। आंसर ऑटो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, MS PowerPoint 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करें या चुनें। नेक्स्ट ऑप्शन, आप विंडो के ऊपरी दाएं यानी कि टॉप राइट भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस W का उपयोग कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी। ये
आंसर उपयुक्त सभी। दोस्तों जरूरी नहीं आप एमएस पावर पॉइंट को ही इन ऑप्शन से बंद करें, आप एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड उनको भी इन तरीकों से बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में कौन सहायता करता है? फायरबॉल, टीसीपी, यूडीपी, आईपी। आंसर फायरबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिकिस्तान अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिसका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेकंड या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस को पढ़िए, कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर। आंसर एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग करता है? ऑप्शंस को पढ़िए, एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंज, ट्रैक चेंज, लेट्स प्ले। आंसर ट्रैक चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवाई वाहन, वाईफाई प्रौद्योगिकी, वेब ब्राउजर, वायरलेस चार्जर। आंसर मानव रहित हवाई वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, वेवगेम, हार्डवेयर डिवाइसों के उदाहरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज 7, एंड्रॉइड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। फॉर ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। आंसर सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MICR का पूरा रूप क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंटरकोडिंग रिकॉग्निशन, माउस इंटरकोडिंग रिकॉग्निशन, मैन इंटरकोडिंग रिकॉग्निशन। आंसर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, MICR एक कोड होता है जो कि हमारे चेक होते हैं जो बैंक वाले उसके अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है? ऑप्शंस को पढ़िए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आज इंटरनेट बैंकिंग रिकिस्तान का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस को पढ़िए, ओपन ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ओपन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, PDF। आंसर वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को बोला जाए कि जो हम इंटरनेट के द्वारा लेन देन करते हैं तो उस टाइम जब हम उसका ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे पास एक OTP आती है। ओके दोस्तों, तो उसके यहाँ पे बात हो रही है, वैसे OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिकिस्तान एक शक्तिशाली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा के साथ जानकारी को ट्रैक करने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस को पढ़िए, एमएस वर्ड 2013, एमएस एक्सेल 2010, एमएस आउटलुक 2010, एमएस एक्सेस 2010। आंसर एमएस एक्सेस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एमएस एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िए, नंबर, करेंसी, टेक्स्ट, वर्चुअल। आंसर टेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शंस को पढ़िए। यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और शॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है। यह डेटाबेस के डिजाइन दृश्य को बदल सकते हैं। यह डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को बदल सकते हैं। एमएस एक्सेस 2010 में इसका कोई उपयोग नहीं है। आंसर, यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और शॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार का व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस को पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMPA, HTTP। आंसर POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आप एमएस विंडोज 10 में निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं। ऑप्शंस को पढ़िए। एंड्रॉइड एप्स, माइक्रोसॉफ्ट एप्स से, विंडोज स्टोर से, स्क्रीनकास्ट से। आंसर विंडोज स्टोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? HTTP, HTTPS, DNS, URL। आंसर DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आंसर विकल्प ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। टास्क बार, आइकॉन्स, कमांड्स, सिस्टम ट्रे। आंसर आइकॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ऑप्शंस को पढ़िए। कंट्रोल डिलीट, एल्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है? एसोसिंग, रिफ्रेंसिंग, अपडेट, फंक्शनिंग। आंसर रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एमएस एक्सेल 2010 में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है यदि इसके पहले लगा है अपोस्ट्रोफ, विस्मयादिबोधक, हैश, टिल्ड। आंसर अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस के, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एमएस एक्सेल 2010 में विंडोज को दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन से मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट के अंदर विंडो, व्यू विंडो सप्लिट, विंडो सप्लिट या व्यू सप्लिट। आंसर व्यू के अंदर सप्लिट ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, फैक्ट, मोड, DIV। आंसर MOD। यानी दोस्तों शेषफल ज्ञात करने के लिए MOD फंक्शन यूज करते हैं और भागफल ज्ञात करने के लिए LOG फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेस 2010 में
किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डेटा प्रकार उपयोग करना बेहतर है? टेक्स्ट, ऑटो नंबर, नंबर, करेंसी। आंसर, करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। SQL का पूरा नाम क्या है? सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन लिस्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिस्ट, स्मॉल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एमएस वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? होम टैब, फॉन्ट टैब, फॉर्मेट टैब, रिव्यू टैब। आंसर, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शंस को पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट पैंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आंसर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बताया था, आपके याद है या नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो प्लीज वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और जो मैंने आपको बताया था उसे करिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने अन्य दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ भेज दीजिए, कमेंट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि लाइफाई टीचिंग आपके कंप्यूटर ज्ञान को इम्प्रूव कर रहा है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और भाग के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और भाग जाइए।